अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट कुकिंग। स्टूडेंट कुकिंग में आज हम बनाएंगे चिकन मंदी और इसके साथ ही मैं मंदी राइस बनाऊंगी और एक स्पेशल चटनी बनाएंगे जो मंदी के साथ सर्व करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में आज ही कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मंदी बनाने के लिए मैंने साबुत चिकन लिया है 2 किलो। चिकन को धोकर साफ करके स्टिरर में रख दिया है, इसका पानी निकल जाएगा, उसके बाद मैं इसे काट लूँगी। इसके अलावा हम मंदी मसाला तैयार करेंगे। मंदी मसाला बनाने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 3 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा है, दालचीनी के टुकड़े लिए 7 अदद, छोटी इलायची 20 अदद, 10 से 12 अदद लौंगें और 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें। इन तमाम मसालों को मैं ड्राई रोस्ट करके और पीस लूँगी। इसके अलावा जायफल जवित्री का पाउडर लिया है मैंने, 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर है, 1/4 टीस्पून ही जवित्री का पाउडर है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, लेमन जूस लिया है मैंने 4 से 5 टेबल स्पून, जर्दे का कलर लिया है 1/4 टीस्पून और 2 टेबल स्पून बटर है। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में आज कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मंदी का मसाला तैयार करेंगे। मंदी मसाला बनाने के लिए पैन गर्म होने रख दिया था मैंने, अब इसके अंदर मैं ये मसाले डाल दूँगी। दालचीनी, छोटी इलायची, लौंगे, सफ़ेद जीरा, साबुत धनिया और इसके साथ ही साबुत काली मिर्चें। ये तमाम मसाले डालने के बाद मैंने मिक्स कर लूँगी। इन्हें इतना रोस्ट करना है कि अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाए, उनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम स्टोव को बंद कर देंगे और मसालों को पीस लेंगे। ये तमाम मसाले रोस्ट हो चुके हैं, अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है और उनका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। स्टोव मैंने अब बंद कर दिया और इस मसाले को मैं पीस लूँगी। मंदी मसाले को रोस्ट करने के बाद मैंने पीस लिया, इसे मैं साइड पे रख दूंगी और अब हम चिकन को काट लेंगे। सबसे पहले मैं चिकन की नेक को अलग कर दूंगी, इसको हम काट देंगे। इसके बाद हम इसे सेंटर से हाफ कर लेंगे। चिकन मैंने काट लिए, 2 पीस कर लिए हैं इसके सेंटर से। आप चाहें तो साबुत चिकन से भी बना सकते हैं। अब इसका मैं मैरिनेशन तैयार कर लूँगी। ये 2 टेबल स्पून बटर है, इसके अंदर हम तमाम मसाले डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी लेमन जूस, हल्दी पाउडर, जायफल जवित्री, जर्दे गरम, सॉल्ट और ये मंदी मसाला भी मैं इसी में डाल दूंगी। मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून मंदी मसाला इसमें डाला है, बाकी हम राइस में डालेंगे। ऐसे डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तमाम मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, बस अब हम इन्हें चिकन पे लगा देंगे। अभी तमाम मसाला हम चिकन के दोनों साइड पे खूब अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि तमाम फ्लेवर चिकन के अंदर तक आ जाए। तमाम मसाला चिकन पर अच्छी तरह से लगाने के बाद अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए और उसके बाद हम इसकी कुकिंग करेंगे। चिकन पे मैंने तमाम मसाले लगा के तकरीबन 3 घंटे के लिए रख दिया था। चिकन अब मैरिनेट हो चुकी है, अब हम इसे स्टीम में पकाएंगे। मैंने पतीली के अंदर 1.5 गिलास पानी डाल के इसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। अब इसके अंदर हम एक स्ट्रेनर रख देंगे, पानी इतना डालिएगा कि स्ट्रेनर के बॉटम को टच ना करें। फिर रखने के बाद अब इसके अंदर मैं चिकन के पीस रख दूँगी।
ये दोनों पीस मैंने रख दिए हैं चिकन के, और बाकी जितना मसाला बचा है ये भी मैं इसी पे लगा दूंगी। बस अब मैं इसे कवर कर दूंगी और मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट ताकि चिकन गल जाए। 35 मिनट हो चुके हैं, हम चिकन को चेक कर रहे थे। चिकन टेंडर हो गए, बस अब मैं इसे निकाल लूंगी। स्टोव मैंने बंद कर दिया है। चिकन को स्टीम में पकाने के बाद ये जितनी भी यखनी बनी तमाम मैं एक कटोरी में निकाल के रख लूँगी। जब हम राइस बनाएंगे तो ये मैं राइस में डाल दूँगी। मंदी को स्टीम में पकाने के बाद अब मैं फ्राई करूँगी। मैंने पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, मैं ऑयल में बना रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं चिकन के पीस डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। चिकन को बस इतना ही फ्राई करना है कि दोनों साइड पे अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। चिकन मंदी फ्राई हो चुकी है, अच्छा गोल्डन कलर आ गया है दोनों साइड पे। बस अब मैं निकाल लूँगी, स्टोव मैंने बंद कर दिया है। मंदी को मैंने फ्राई कर लिया है, बस इसे मैं साइड पे रख दूंगी और हम मंदी राइस तैयार करेंगे। मंदी राइस बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो बासमती चावल लिए थे और धोकर साफ़ करके तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले भिगो दिया था। इसके साथ ही 4 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर लिए, 4 से 5 टेबल स्पून किशमिश धोकर और थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था और अभी इसका पानी निकाल दिया। इसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 4 छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 लौंग हैं, 2 चिकन क्यूब्स हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 4 से 5 हरी मिर्च है और ये 1.5 गिलास यखनी है जो भी चिकन को पकाने के बाद बची है। तमाम यखनियाँ भी हम राइस में डाल देंगे। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम मंदी राइस बनाते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर में चॉप अनियन डाल दूँगी। प्याज को इतना फ्राई करना है कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बहुत लाइट सा इसके ऊपर कलर आ जाए, डार्क कलर नहीं करना है। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। इसके अंदर में ये तमाम मसाले भी डाल दूँगी। इसमें हल्दी पाउडर है, छोटी इलायची, लौंग है, दालचीनी, नमक और हरी मिर्च। इसके साथ ही मैंने चिकन क्यूब्स भी डाल दिए हैं और इसको मैं फ्राई करूँगी 1 से 2 सेकंड तक के लिए। तकरीबन 2 मिनट तक मसाले को भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं चिकन स्टॉक शामिल कर दूंगी जो चिकन को स्टीम में पकाने के बाद बची है। इसे शामिल करने के बाद इसके साथ ही इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है और चिकन की गर्दन मैंने इसी में डाल दी। इसके मैंने पीसेस कर लिए थे और अभी बचा हुआ मंदी मसाला भी मैं इसी में डाल दूँगी जो बच गया था। डाल के हम मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसे कवर कर दूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से पक जाए, अदरक लहसुन का हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर राइस शामिल कर दूँगी।
मसाले को चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने तमाम मसाले डाल के इसे कवर कर दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाया है मीडियम लो फ्लेम पे। अब इसके अंदर मैं राइस शामिल कर दूँगी। राइस डालती हूँ, इसे मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी इतना कि राइस पक जाए। तकरीबन 2 कप तक पानी डालना है। इसे हम पकाएंगे इतना कि पानी जो है खुशक हो जाए और राइस पक जाए। राइस का पानी खुशक हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं ये मंदी रख दूंगी। मंदी रखने के बाद ये मैं किशमिश इसके ऊपर डाल दूंगी और इसके साथ ही इसके अंदर मैं कोयला रखूंगी ताकि अच्छा स्मोक फ्लेवर आ जाए। कोयला मैंने रख दिया। अब इसके ऊपर मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डालूंगी और इसे अपना कवर कर दूंगी। कोयला रखने के बाद मैंने कवर कर दिया ताकि अच्छा स्मोक फ्लेवर आ जाए राइस के अंदर, मंदी के अंदर। उसके बाद अब मैं इसे 15 मिनट तक पकाऊंगी, 5 मिनट तेज आंच पर ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए, और 5 मिनट के बाद मैं बिल्कुल धीमी आंच पर पकाऊंगी 10 मिनट तक। उसके बाद हम चेक करेंगे। मंदी राइस को मैंने दम पे पकने के लिए रख दिया। जब तक राइस तैयार होंगे अब चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर रफली चॉप कर लिए। 1/2 पंच हरा धनिया है, 1/2 पंच पुदीना है। दोनों के पत्ते तोड़ने के बाद मैंने धो लिया था ताकि तमाम डस्ट निकल जाए। इसके साथ ही 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून सफ़ेद सीड है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 10 से 12 जले लहसुन के। इसके साथ ही 1 अदद लेमन मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। तो आइए चटनी बना लेते हैं। जग के अंदर मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के ना ग्राइंड कर लूँगी। टमाटर, हरा धनिया और पुदीना साथ ही डाल देंगे। इसके साथ ही तमाम मसाले भी डाल देंगे, लेमन जूस, और बहुत थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूँगी ताकि चटनी पीस जाए आसानी से। तकरीबन 1/2 कप इतना मैंने पानी डाला है इसके अंदर। अब मैं इसे कवर कर दूँगी जग को और हम चटनी को ग्राइंड कर लेंगे। राइस को अब चेक कर लेते हैं। स्टोव में बंद कर रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं दम की आंच पे पकते हुए। राइस बिल्कुल खिले खिले हैं। कोयला निकाल दूंगी मैं इसमें से। राइस भी बिल्कुल खिले खिले बने। सब मैं मंदी राइस को सर्विंग प्लेटर में निकाल लूँगी। चिकन मंदी तैयार है। मंदी को मैंने थाल में निकाल लिया और इसे गार्निश कर लिया। इसके साथ ही चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये चटनी मंदी राइस के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। स्टूडेंट कुकिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।